गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल द अपशिफ्टर। तो आज है बहुत ही सेक्सी मौसम, हवा चल रही है बहुत प्यारी, हवा प्यारी चल रही है, इसका मतलब आप लोगों को मेरी आवाज़ अभी भी क्लियर नहीं आएगी, बट मैंने माइक फाइनली मंगवा दिया है, तो चिंता मत करो, जल्दी ब्लॉगिंग ढंग से चालू करूँगा। एक्चुअली मेरे डेली ब्लॉग्स ना डालने का रीज़न यही है कि मेरी आवाज़ क्लियर नहीं आती, तो मैंने बनाने का भी मन नहीं करता वीडियोज़ को। और दूसरी बात ये कि मेरा जो फिल्मोरा है जिससे मैं एडिटिंग कर रहा था, उसमें पता नहीं क्या एरर आ गया है, एक्टिवेशन ख़राब हो गई, इसकी वजह से अब फिर से रीइंस्टॉल करना पड़ेगा और ऑफिस से आकर टाइम नहीं मिल पा रही मुझे, बट कोई नहीं, सब कुछ होगा, जल्दी जल्दी होगा। सेकंड थिंग इज, 30 अगस्त है और टाइम हो रहा है अभी 6:30 बजे सुबह के, एक शॉर्ट राइड करने का प्लान था बट थोड़ा सा लेट हो गया हूँ, मैं उठाया नहीं यार, मैं पता नहीं अलार्म भी बजा मेरा क्यों, मैं तो सेट किया था। तो अभी फ़िलहाल से शेर पंजाब ढाबा जा रहा हूँ मैं, और वहाँ पे देखते हैं, वहाँ पे और दोस्त मिलने वाले मुझे, वहाँ जाके पता चलेगा। अभी फ़िलहाल रास्ते में ही रोहिणी के अंदर ही हूँ, सेक्टर 14 है ये, और चलिए चलते हैं आगे। अच्छे से डला हुआ है, मैंने इसके अंदर डलवाया 97 ऑक्टेन, एमपी की शक्ल के हिसाब से ज़्यादा है, बट ठीक है कोई नहीं, बहुत बढ़िया यार। और सेकेंड थिंग इज कि मैंने इसके अंदर जो है आईरिडियम का स्पार्क प्लग्स डलवाए हैं, जो डिफरेंस मैं फील कर रहा हूँ मैं आपको बता नहीं सकता, बहुत बहुत प्यारी चल रही बाइक मेरी, आप लोगों को साथ के साथ इन्फॉर्म करता रहूँगा मैं, और आज एक 0 to 100 का टेस्ट भी लूँगा जिससे कि आप लोगों को बताऊँगा कि कितना ज़्यादा फ़र्क लगा इस बाइक के अंदर। सी ये चेंजेस मैं पहले ही करवा चुका हूँ, मैं जब सर्विस करवाई थी बाइक की तब मैंने काफ़ी कुछ करवाया था इसके अंदर, तो लास्ट वीडियो जो 15 अगस्त की थी उसके बाद जो ये वाली वीडियो आ रही है अब, तो उसके अंदर बहुत कुछ चेंजेस हैं मेरी बाइक के अंदर, काफ़ी कुछ करवा दिया मैंने, और इवन जो आगे पेंशन थी इसको भी मैंने टेपिंग करवा दी, अभी दिखाऊंगा उतर के, सब दिखाता हूँ आप लोगों को, चले चलते हैं, लेट हो गए थोड़ा सा, आगे जाके मिलते हैं आपको। Thank you.
वेल एक्चुअली टू बी ऑनेस्ट मेरे को रास्ता नहीं पता ढाबे का। मैं इतना गया नहीं यार वहाँ पे कभी जिंदगी में, 3 बार तो गया यार, 3-4 बार शायद, वो भी बिना गूगल मैप के तो मैं जा ही नहीं पाता। चलिए इसको भी ऑन कर देते हैं, अपने आप बोलते रहिए आंटी। गूगल आंटी अपने आप बोलते रहेगी कानों में मेरे, मैंने ईयरफोन लगा रखे क्योंकि। चलो चलो, तो अभी फ़िलहाल वसंत कुंज के आसपास ही हूँ, आर के पुरम के आसपास, क्योंकि मेरे को यहाँ का एक्चुअली रास्ता नहीं पता। दिल्ली का लौंडा होते हुए भी मैंने साउथ दिल्ली बहुत ही कम घूमा होगा, तो इसलिए हमेशा गूगल मैप की जरूरत पड़ती है। गूगल आंटी कानों में बोल रही है पीछे से, मैंने उसको ऑन करके फ़ोन को जेब में रख दिया। अभी ये मेरे ख्याल कोई अफ्रीका एवेन्यू करके है। अब बात करते हैं, आवाज़ तो आती नहीं तो मेरी ऐसे बड़ा मुश्किल होता बोलना, मुझे पता है, और बड़ा मुश्किल होता आप लोगों के लिए सुनना, मुझे ये भी पता है। तो मैं कह रहा हूँ कि मैं इसके अंदर चेंज दे सकता हूँ, मैंने इसके अंदर जो है आईरिडियम के स्पार्क प्लग्स लगाए, साथ में 97 ऑक्टेन कली डलवाए मैंने इसके अंदर। एक्चुअली डलवाने 93 गया था बट 97 ही मिला मुझे, उसका रेट देख के पहले तो मेरी हालत टाइट हो गई, बट फिर मैं कहा ठीक है यार 500 का डलवाना है, नॉर्मल डलवाऊँ, प्रीमियम डलवाऊँ, 93 डलवाऊँ, 97 डलवाऊँ, तो मैंने कहा 97 बेस्ट है, कम से कम फील तो आएगी चलाने में, और सीरियसली बहुत फील आ रही है। मतलब बंदे ने कुछ ज़्यादा ही हवा भर दी लगता है, टायर में मेरी बाइक डोल रही है। तो भाई 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 क्या था ये, काट भी रही है भाई, गूगल मैप में सीधा उलटा लेफ्ट, ओ भाई क्या हो गया ये, इतनी बड़ी गुस्से में भाई। आप लोगों को सुनाई नहीं देगा लेकिन मेरे कानों में तो चीख दिया उसने। एफ टी है भैया यहाँ पे, रिटर्न लेफ्ट करो। गाइस फाइनली हम अपनी डेस्टिनेशन पहुंच गए हैं, चलिए मिलते हैं जो भी अपना जानकार दिखता है यहाँ पे। ऐसे मोस्ट प्रोबेबली राघव भी है यहाँ पे भी, तो बाकी देखते हैं और कौन आया। चलो चलते हैं। तो फाइनली मैं पहुंच गया हूँ ढाबे पे, अभी हो गया मुझे वैसे 15-20 मिनट ज़्यादा ही हो गया, आधा घंटा हो गया यहाँ पे बैठे हुए मुझे, मोहितो पी रहा था। अच्छा वो अभी आ जाएगा वो। और राघव भी आ गया था पेट्रोल लगाने, वैसे आवाज़ सुन लो आ ही गया वो, आ गया वापस। पबजी का कीड़ा। एक्चुअली हम लोग काफ़ी एक घंटे से बैठे थे मैं और राघव यहीं पर ही, और तो कोई आया नहीं। राघव व्लॉग्स अभी जा रहे हैं, राघव जाएगा घर वापस, या शायद पता नहीं कहाँ जाएगा। रेस्ट इन पीसेस ब्लैक पैंथर। थैंक यू भाई। और एक मैगी खाई थी, एक वर्जन मोहितो पिया था, बाकी राघव ने पराठा मैगी वगैरह ही खाया था। चल रहे हैं देखते हैं आगे।
आज का है। हयाबुसा ऑलवेज लाउड। चलते हैं अब ऑफिस की तरफ, जाना है आगे हमें, और आगे ब्लॉग को कंटिन्यू करेंगे शाम को। अभी इसके बाद पहले ऑफिस चले जाते हैं। お前はもう死んでいる。यहाँ से गुड़गांव का रास्ता कटेगा जो कि कटना चाहिए, क्योंकि मैं लेट हो गया हूँ काफ़ी अब, लेकिन टाइम पे पहुँचना मुझे जैसे जैसे। ट्राई करते हैं, पहुँच जाएंगे, कोई बड़ा इशू नहीं है। यहाँ इसके अंदर प्यारे बादल हो रहे हैं, और ये प्यारे बादल अभी बारिश में बदल सकते हैं, कुछ भरोसा नहीं है। ठीक है, तो हालत ख़राब हो जाएगी। और ये नया जो फ्लाईओवर बने, मैं यहाँ पे पहली बार चला रहा के अंदर एंटर कर गया हूँ, और अभी भी 50 हुए हैं, 10 मिनट अभी भी हैं। फिर 10 मिनट मेरे कहाँ निकल जाएंगे मुझे भी पता, कहीं नहीं जाएंगे। ऑफिस के लिए मैं लेट हो चुका हूँ ऑलरेडी, कोशिश करते हैं टाइम पे लॉग इन कर लें, नहीं तो फिर गालियाँ खाएंगे और क्या। राइड तो करनी थी लेकिन